नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह, बिजनेस आप तक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो सच्चाई बताने जा रहा हूँ वेलवेट पेंसिल बिजनेस के बारे में, जो कि काफ़ी लोगों को सही भी लगेगा, काफ़ी लोगों को गलत भी लग सकता है। तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। मैंने बिल्कुल अच्छे अच्छे लोगों से मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेने के बाद, इस बिज़नेस को मार्केटिंग करने के बाद मैं एनालिसिस देता हूँ। ऐसे किसी भी चीज़ों को मैं हवा में बातें नहीं करता, ताकि आप लोगों तक सच पहुँचे एग्जैक्टली। तो अब मैं आपको बता दूँ कि इस बिज़नेस में जो लोग न्यू स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जो लोग विदाउट बाईबैक में सोच रहे हैं करने का, उनको मैं सतर्क कर दूं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज ले लो, मार्केट एनालिसिस ले लो, कर लो, उसके बाद आप बिजनेस में आना। और जो लोग आप बायबैक के थ्रू काम करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बायबैक में अगर आप काम कर रहे हो तो कोई पुरानी कंपनी के साथ बायबैक करें, बिजनेस करें, क्योंकि नई नई कंपनीज काफ़ी ऐसा अभी देखा गया है, हाल के एक साल के अंदर कई कंपनीज भाग चुकी हैं, कई कंपनीज अपना शटर डाउन कर दी हैं 2 से 3 महीने में, और उनका पता नहीं है, लोग परेशान हो गए हैं। 100-100 मशीनें, 200-200 मशीनें बेच के वो लोग निकल चुके हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस बिज़नेस में 90% लोग फेल हो रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बिज़नेस कीजिएगा। जो पुरानी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उसकी क्वालिटी को मैनेज करें। ऐसा नहीं है कंपनीज़ कोई बुरी होती है, अगर आप कोई कंपनी बायबैक कर रही है तो आप सब कोई दोष उस पर भी नहीं दे सकते। बायबैक करना कोई गुनाह नहीं है, बायबैक कर रही है तो आपको उसका पेमेंट भी दे रही है, और पेमेंट दे रही होगी आपको आपके एक्सेप्टेड पेंसिल में, क्योंकि इस बिज़नेस में बहुत सारा रिजेक्शन भी होता है इस पेंसिलों में। तो आप जो बिज़नेस करेंगे इसमें सोच समझ के करें, आप देखें कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो लोग डायरेक्टली मार्केट में कोशिश कर रहे हैं, उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, अगर इसमें आपको सक्सेस लाना है तो वो कैसे ला सकते हैं। अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं इस बिज़नेस में, तो आप पेपर पेंसिल यानी पेपर रिसाइकलिंग करके, जो वेस्ट मटेरियल पेपर से बनता है पेपर पेंसिल, उसमें अच्छे क्वालिटी का पेपर पेंसिल खरीदे, रॉ पेंसिल, जिसका ग्रेफाइट डार्कनेस हो, जिसका मतलब आपके पेंसिलें डार्क चले और पेपर क्वालिटी में हो, उस पर आप वेलवेट की कोटिंग करके इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ये पेंसिलें ज़्यादा चलती हैं मार्केट में। नेगेटिव पॉइंट कहाँ है मैं ये बता दूं आपको, पॉलीमर पेंसिल जो होती है वो मार्केट में बहुत कम चलती है, क्योंकि एक तो वो कच्ची पेंसिल होती है, जितने भी बायबैक की बिज़नेस वाले हैं वो ज़्यादातर पॉलीमर देते हैं। उनका पॉलीमर देने का रीज़न होता है कि वो धुलकर दोबारा आप रिसाइकल कर सकते हो, जो रिजेक्टेड पेंसिल है तो उनका रीज़न ये होता है। वो महंगी पेंसिल भी पड़ती है जो आप बायबैक में लेते हैं, तो चलो वो बायबैक में अगर आप महंगी भी देते हैं तो कंपनीज़ उसको आपको दोबारा उतना पेमेंट रॉ पेंसिल का दे भी देती है, तो वो मैटर नहीं करता महंगी दे रही कि सस्ती। लेकिन अगर आप खुद का बिजनेस अगर करोगे तो वो पेंसिलें आपको महंगी पड़ेगी जो आपको बायबैक में मिलती है, क्योंकि उस रेट के अकॉर्डिंग अगर आप खरीद के जाओगे तो उतना मार्केट में रेट नहीं मिलता। अब एक और सच्चाई आपको बता दूँ, जितनी महंगी बायबैक में आपको रेट मिलता है, वो रेट में मार्केट में बिकता ही नहीं है पेंसिल। आप खुद भी अगर बेच के देखेंगे इस पेंसिलों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बल्क में डिमांडेड है वो 150-160 इसके अंदर अंदर पेंसिलें ये लेते हैं पॉलीमर वाली। अगर आप महंगे में जाएंगे तो वो पेपर पेंसिल ही आपको अच्छा रेट दे जाएगा, पॉलीमर पेंसिल में आपको अच्छा रेट नहीं मिल सकता कभी। और इसका जो लेबर चार्ज एक्चुअल में मिलता है जो मार्केट में, वो 20-30 पैसे से ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। 90% लोग जो फेल हो रहे हैं ना इस बिज़नेस में, उसका रीज़न है जो पॉलीमर पेंसिल मार्केट में आ रही है वो पेंसिल की क्वालिटी बहुत ही लो है, वो बहुत ही कच्ची पेंसिल है, आराम से टूट जाती है, और उसका जो ग्रेफाइट जो क्वालिटी होता है लेड का, वो काफ़ी हल्का रहता है, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते उस पेंसिल को लेने के लिए। तो जब एंड यूज़र सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आपसे डीलर क्यों लेगा उस पेंसिल को, पहला पॉइंट तो ये। सेकेंड पॉइंट जो फेलियर का कारण है, मार्केट में ऐसा बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैला दिया गया है कि पॉलीमर पेंसिल का रेट जो बायबैक में कंपनीज दे रही है वो काफ़ी महंगा दे रही है। कई बार कोई पेंसिल का रेट 3 रुपये दे रही है, कई लोग 3.5 का दे रहे हैं, इतने रेट में पेंसिल ये बिकती नहीं है। मार्केट में जाओगे तो इसका हाफ रेट भी आपको नहीं मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा हो और मार्केट में डिमांड कम हो, उसका रेट हमेशा डाउन जाता है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में डिमांड कम होने के बावजूद और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद भी आपको बहुत हाई रेट मिले, क्यों मिलेगा? अगर क्यों नहीं मिलता है ये भी मैं बता दूं, मार्केट में जो अच्छे अच्छे कंपनीज के ब्रांड के पेंसिल रोज के ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, उसकी क्वालिटी और आप अपनी क्वालिटी, जो पॉलीमर पेंसिल अभी आप बना रहे होंगे उसकी क्वालिटी, आप दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में आप क्यों नहीं स्टैंड कर पा रहे हैं। पता कि अगर आप खुद का बिज़नेस शुरू करने वाले हैं तो पहले बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कुछ ट्रेडिंग कर लें, 1-2 महीने आप ट्रेडिंग करने के बाद इस बिज़नेस को शुरू करें। दूसरी बात, अगर बायबैक कर रहे हैं तो बायबैक उन कंपनी से करें जो ऑलरेडी पुरानी कंपनीज हैं इस मार्केट में, नए कंपनी से जल्दी आप ट्रस्ट मत करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि निकल चुकी है। तो मैं बार बार ये कहने का मतलब है कि आप सोच समझ के इस बिज़नेस को करें,
ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में कोई सक्सीड हो ही नहीं सकता, अगर आप मार्केटिंग सही से करें, क्वालिटी सही से पकड़ें, तो इस बिजनेस में भी अच्छा पैसा है। लेकिन सिटीज़ में ज़्यादा ये बिजनेस चलता है, मैं अभी भी आपको बता दूं, और इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है चीज़ों का। तो आप इस चीज़ में मत सोचिएगा कि आप 10 मशीनें लगा लें और अचानक से बिजनेस एक साथ स्टार्ट करें। एक मशीन से शुरू करें, शुरुआत में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका एनालिसिस करने की बात करें और एक एक स्टेप बाई स्टेप चलें ताकि आप सक्सीड हो सकें। और जो लोग इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं या कंपनी छोड़ चुकी है, कंपनी भाग चुकी है, उन लोगों को मैं बता दूं आपको कि फेलियर से आप घबराएं ना, क्योंकि फेलियर आपको कुछ ना कुछ लेसन दे जाता है। आप इसमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपको इस बिजनेस से अगर फेल हुए हैं तो आपको सीखा, एक सीख मिल चुका है कि आगे इस बिजनेस को कैसे किया जाए। तो आप घबराएं ना। आप लोगों के लिए मैं बता दूं, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिनका लॉट पड़ा हुआ है, बना हुआ माल हो या कच्चा माल उनके घर पर पड़ा हुआ है, वो मेरे कमेंट सेक्शन है, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर जाके आप अपना अपना डिटेल्स दे दें, कितना लॉट पड़ा हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल 110% कोशिश करूंगा कि आपका माल बिक जाए, जो भी रेट टू रेट भी अगर बिकता है तो आपका एटलीस्ट लॉस में कुछ रिकवरी हो जाए, अगर लोगों ने सोच लिया है इस बिजनेस को नहीं करने का। और जो लोग करना चाहते हैं इस बिजनेस को, तो वो आगे कैसे बढ़े, वो पेपर पेंसिल लें अच्छे क्वालिटी का, वो अच्छे क्वालिटी का पाउडर लें, उसके बाद इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और 110% सक्सीड होंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये बिजनेस डेड है, करने का तरीका है, मार्केट इसका लो डिमांड है मार्केट में, लेकिन ऐसा नहीं कि लो डिमांड में भी आप लोग टिक नहीं पाओगे, टिक सकते हो, जिसमें जुनून है वो कर सकता है कुछ भी, किसी भी प्रलोभन में ना पड़े। क्योंकि आप वीडियोस के कारण कई बार देख लेते होंगे कि टॉपिक पे लिखा रहता है, हेडिंग पे 1 लाख रुपये महीना कमाएं, 2 लाख रुपये महीना कमाएं, तो दिमाग उसमें घूम जाता है। जहाँ ज़्यादा लालच है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये याद रखिएगा। सच्चाई में आप जब जाते हो, तह तक जाओगे उस बिजनेस के, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी कुछ और है। इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। सही एनालिसिस के लिए और सही रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।